चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बच्चे हैं धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। न्यू चैप्टर देखना है हम लोगों को, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन ही देखेंगे। कल बताया भी था करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दोनों में बताया था फर्क कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study about flow of charges, that is what, that is electric current, ठीक है, and its heating effects, तो भी इसके heating effects या बाकी सारा चीजें हैं, effect directly लिख दो, and its effect, तो ये आपका क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे अब। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये क्या, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, राइट। आपका होता है ये स्केलर क्वांटिटी। डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, सेम चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका एक टाइप का चार्ज है, राइट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज व्हाट, इज इलेक्ट्रिक करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब आई इसको देखिए, क्या बोला कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई इक्वल्स टू आप लिखोगे क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यू बाई टी, राइट। तो क्यू आपका चार्ज हो गया और टी टाइम में ये फ्लो कर रहा है, कोई दो पॉइंट के बीच टी टाइम में ये फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, करंट बोलेंगे, राइट। और करंट बोलेंगे तो I इक्वल टू डी क्यू बाई, यहाँ पे Q बाई टी आ गया आपका। और Q की एक और वैल्यू आपको मालूम है कि लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है, राइट। और क्वांटाइज का मतलब क्या, क्वांटाइज का मतलब कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E में एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो Q की एक और वैल्यू हो गई क्या, एन ई बाई टी। नाउ ये N जो है आपका, N कहाँ से कहाँ हो सकता है, N कैन बी 0 प्लस माइनस 1, ये बताया था कि 0 प्लस माइनस 1 कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है, ऐसा कंटिन्यू ये जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे दो फॉर्मूलाज मिल गए और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखेंगे कि इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट इज एम्पियर, SI यूनिट एम्पियर। ये फंडामेंटल यूनिट भी होता है, याद करो 7 फंडामेंटल यूनिट जो आपने पढ़ा था, तो 7 फंडामेंटल यूनिट में करंट भी था, इलेक्ट्रिक करंट, और वो एम्पियर था वहां पे। तो SI यूनिट इसका हम लोग लिखेंगे एम्पियर, डिनोट किससे करेंगे, 1 एम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ए एम्पियर डिनोट करेंगे 1 ए से, राइट। अब नेक्स्ट आपका कभी कभी छोटा सा डेफिनेशन पूछता है, डिफाइन वन एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछेगा, डिफाइन वन एम्पियर, डिफाइन वन एम्पियर। तो इसको देखिए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लो हमारे पास कि ये यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है,
अब इस कंडक्टर में एक कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, एक कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है यहां से यहां पे, ठीक है, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, ठीक है। देखो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं क्या पोट कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू 1 कूलम पोट कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू इज 1 कूलम, 1 कूलम इज द चार्ज एंड टाइम कितना, 1 सेकंड, तो 1 कूलम बाय 1 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पियर, ठीक है। कभी कभार ही पूछता है, बहुत रेयर पूछता है, बट आपको जानना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, when one coulomb of charge flows through a conductor, in 1 second, flows through a conductor in 1 second, then the current flowing through it is known as 1 ampere. Then the current flowing through it is known as 1 ampere. क्या ये क्लियर हुआ सबको कि एक किसी भी कंडक्टर में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कभी कभार 1 मार्क्स का आएगा, बहुत रेयर ही पूछता है वैसे। साथ में यहाँ पे ये भी देखना है कि ये ध्यान रखना है कि करंट इज ए इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, साथ में ये चीज ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे डिफाइन किया। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो कंडक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास थोड़ा सा बताया था कंडक्टर के बारे में कि ये देखो, मान लो हमारे पास यहाँ पे ये कंडक्टर है, ठीक है। अभी इस कंडक्टर देखो, ये कोई भी एक हमने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया, इस कंडक्टर में, अभी देखो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत जरूरी है ये चीज। अभी ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो रैंडम मोशन होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस कंडक्टर में अभी मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को मैं नेगेटिव चार्ज से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ भाग रहा है, कहीं यहाँ भाग रहा है, ठीक है, कहीं यहाँ भाग रहा है, रैंडम मोशन है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा कहीं जा रहा है। और ये ऐसे सिर्फ 1, 2, 3, 4 नहीं, बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे, और सारे कुछ ना कुछ, इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर्स में होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं, अराउंड 10^29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10^29 सोचो, उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका अभी ये रैंडम मोशन था इलेक्ट्रॉन्स का। अभी सोचो, अभी इस इलेक्ट्रॉन का अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी लूं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, यू एवरेज। तो यू एवरेज जो अभी होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। बोलोगे कैसे सर? तो देखो, कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, राइट। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। इसी तरह मैंने सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया, कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो जस्ट इसके ऑपोजिट जा रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो जस्ट इसके ऑपोजिट जा रहा होगा। तो एवरेज वेलोसिटी, जैसे ही कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे होते हैं, मगर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी होती है सारे इलेक्ट्रॉन्स की, दैट विल बी इक्वल टू जीरो,
क्योंकि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या ये सबको क्लियर हो पा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स की जीरो कैसे ली? क्योंकि सारे एक दूसरे को कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके वो कैंसिल आउट कर देंगे, राइट? अभी हमने क्या किया, देखो हमने एक फिर से यहाँ पे यही कंडक्टर आपका है, और इसी कंडक्टर में अब हम लोगों ने क्या किया कि एक बैटरी सेट कर दिया। बैटरी सेट कर दिया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करना और बैटरी सेट करना एक ही चीज है, ठीक है? अभी हम लोग ध्यान से देखो कि ये कंडक्टर लिए और इस कंडक्टर को इस जगह पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे बैटरी सेट करेंगे, तो बैटरी सेट करने पे क्या होता है, हम लोग देखिए आप क्या करते हैं। यहाँ पे जैसे ही ये क्या किया, एक बैटरी सेट कर दिया। देखिए अभी जब जैसे ही बैटरी सेट किया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट? तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेट करने पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने लगेंगे। अभी 6 इलेक्ट्रॉन था तो मैं 6 ही इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, ठीक है? ये देखो ये इधर जा रहा है, ठीक है? ये सारे इलेक्ट्रॉन अभी एक डायरेक्शन में जाने लगेंगे। पहले आप बोल सकते थे कि पहले एवरेज वेलोसिटी 0 था, क्या अभी एवरेज वेलोसिटी 0 होगा क्या, बताओ? अभी सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी 0 होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम ऑलरेडी कि किधर से किधर सेटअप होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ठीक है? सेम सेम चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है? सेम चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कैसे करेंगे, यहाँ सब तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, प्रोटॉन आएगा तभी ना कैंसिल होगा। अभी इसमें प्रोटॉन होगा जस्ट उसके ऑपोजिट में मूव कर रहा होगा। यहाँ पे वी वोल्टेज है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी दिस वन, बिकॉज आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, पॉजिटिव प्लेट या दिस वन इज नोन एज हायर पोटेंशियल एंड दिस वन इज नोन एज लोअर पोटेंशियल, राइट? ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगा और इलेक्ट्रॉन जस्ट ऑपोजिट में मूव करेगा। पहले ही बताया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव करता है, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव करना आपका शुरू हो गया। अभी क्या है कि यहाँ पे इसमें हम लोग जो वी एवरेज लेंगे, दिस वी एवरेज विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है? अब वी एवरेज आपका 0 के इक्वल नहीं होगा तो आपको पता है ना कि वी इक्वल टू क्या लिखते हो, याद करो, वी इक्वल टू यू प्लस एटी लिखते हो, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है? अब सोचो जरा सा कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मैं अभी फिलहाल किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो आप लिख सकते हो ना कि F इज इक्वल्स टू क्या, F इज इक्वल्स टू QE, ठीक है? और QE की बात करेंगे तो Q चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, माइनस E का चार्ज होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और E का तो E रहेगा तो ये हो जाएगा फोर्स, ठीक है? नाउ
नॉट इक्वल टू होगा ना सर, नॉट इक्वल टू क्या होगा, क्या नॉट, हाँ ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, सॉरी दिस वन इज वी एवरेज इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नाउ f इक्वल टू क्यू ई माइनस ई लगा देंगे. और f इक्वल टू आपको एक चीज और मालूम क्या कि ma होता है, तो ma इज इक्वल टू क्या माइनस e इंटू ई, राइट. नाउ यहां से देखो तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस e इंटू ई, ठीक है, बाई m. अब देखो यहां पे जो जो टाइम दो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने के बीच का टाइम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. अब दो इलेक्ट्रॉन के टकराने के बीच का टाइम मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे जब टकराएगा उस दोनों के बीच के जो टाइम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम. और उसको हम लोग डिनोट करते हैं टाऊ से, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे टाऊ, tau equals to relaxation time. अब इसको define कैसे करेंगे सो देखते हैं हम लोग. देखो relaxation time में क्या करेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन के टकराने के बीच का जो time होगा उसको क्या बोलेंगे, relaxation time. तो define कैसे करेंगे, next में मैं define कर रहा हूँ. relaxation time is defined as relaxation time is defined as time taken by an electron between two successive collision, between successive collision on setup of external electric field, on setup of external electric field. मतलब जैसे ही external electric field setup होता है तो external electric field के setup होने पे दो electron के टकराने के बीच का जो समय होता है उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, time को क्या बोलते हैं, relaxation time, ठीक है. denote कैसे करते हैं, tau से denote करते हैं. चलो now तो v equals to आपने देखा ना कि v equals to u plus at. अब u की वैल्यू तो एवरेज वैल्यू जीरो लिए प्लस a और t, तो t की जगह इस बार रिलैक्सेशन टाइम लेंगे टाउ, क्योंकि दोनों के बीच का टकराने का टाइम कितना था, टाउ था. नाउ a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, a की वैल्यू आपने अभी निकाल के बताया मैंने यहाँ पे, देखो a की वैल्यू कितनी आई है, माइनस ई ई बाई एम. इज वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो तो a की वैल्यू पुट करोगे माइनस e इंटू e tau बाई m, ठीक है. अब ये v वेलोसिटी है, ठीक है. अब ये v वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है भाई, हमें चेक करना है कि ये v वेलोसिटी किसकी है. तो v वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की थी, तो ये v को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस v इज, इसको हम लोग डिनोट करेंगे vd से, ठीक है. और vd से डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ये डिफाइन करेंगे. देखो आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि जैसे ही आप लोग किसी भीड़ वाले जगह में खड़े होते हो तो भीड़ वाले जगह में क्या होता है ना कि आप एक जगह खड़े हो जाओ तो खड़े होने पे आप तो नहीं चल रहे हो लेकिन अगर भीड़ आपको धक्का दे दे के क्या करेगा, आगे पहुंचा देगा, राइट. तो उस टाइम आप जब मूव कर रहे हो आपका खुद का कुछ वेलोसिटी है, किसके वजह से, ड्रिफ्टिंग के वजह से, धक्का के वजह से, राइट. तो धक्का देने की वजह से आप जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे उस वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है. चलो अब इसको हम लोग समझते हैं. इसमें देखो सबसे पहले जैसे ही समझ के रखो, ये चीज समझ लो कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर मेला लगा हुआ है और मेले में कौन आया है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आए. अब मेला में भीड़ है भाई, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तो क्या हो गया आपका
कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, राइट। और धक्का देंगे तो ये सारे किस तरफ धक्का देंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस धक्का देने में कि सब टाइम से जो ये जो धक्का दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इस जगह से, तो धक्का देने की वजह से ये मूव करेगा, और इस धक्के की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे 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 यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी से ये धक्का देने की वजह से मूव कर रहे होंगे, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या ये सबको क्लियर हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? फिर मैं इसको डिफाइन करूंगा। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको क्लियर है? सिंपल सा मेला वाला याद रखना है, याद करके रखना, कंडक्टर के अंदर मेला लगा हुआ है बैटरी सेट करने पे। बैटरी सेट करने पे मेला लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, और धक्का देंगे तो धक्का देने पे क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। वो जो वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। द वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ टुवर्ड्स द कहां जा रहा था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा था, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी ऑन सेटअप ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सेटअप ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, सेटअप ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, द वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी ऑन सेटअप ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is known as drift velocity. ठीक है, तो drift velocity की value कितनी निकली? हाँ, average drift velocity. Drift velocity को average ही बोलोगे आप। वो drift velocity का मतलब हो गया कि average velocity of all the electrons. ठीक है, drift velocity का आप यहाँ average use करो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारे electrons को consider करके चल रहे हैं ना, सारे electrons का velocity same होगा, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी विद विच, चलो यहाँ पे मैं एवरेज डाल देता हूं, एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी ऑन सेटअप ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने कितना निकाला, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग निकाला -EE tau by m। ठीक है, अब इसका अगर मॉड ले लेंगे तो मॉड ले लेंगे तो VD will be EE tau by m, राइट। चलो अब एक चीज यहां पे ध्यान से देखो, ये टाउ है, राइट, ये टाउ, टाउ को मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो वीडी की वैल्यू कितनी आ गई, ई टाउ बाई एम। चलो अब ध्यान से ये मेरी बात को समझिएगा, एनसीईआरटी और बाकी किताब, बीट आपकी प्रदीप ले लो या फिर एसएलआर ओरा ले लो, सब में ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है ई टाउ बाई एम। बट इन एससी वर्मा ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है ई टाउ बाई टू एम। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, एचसी वर्मा में ये चीज दिया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ई टाउ बाई टू एम। अब बोलोगे सर दोनों का अलग अलग क्यों आ रहा है, ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर दोनों का अलग अलग क्यों आए। तो देखो अभी सोचो कि मैं दो वैल्यूज ले रहा हूं, एक ले रहा हूं जीरो और एक ले रहा हूं फाइव, तो आप बताओ कि जीरो और फाइव का एवरेज कितना होगा, जीरो और फाइव का एवरेज कितना होगा,
2.5 यानी 5 by 2, right? तो 5 by 2 होगा. तो एस सी वर्मा ने क्या कंसिडर किया है, एस सी वर्मा ने क्या कंसिडर किया, मेरी बात को समझिएगा. एस सी वर्मा ने कंसिडर किया कि दो इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किए, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी सबसे कम यानी कि जीरो, और एक का वैल्यू जीरो और दूसरे का वैल्यू ई टाउ बाई एम. तो दोनों का एवरेज कितना होगा, ई टाउ बाई टू एम होगा या नहीं होगा, ये बताओ. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर एक की वेलोसिटी जीरो होगी और दूसरी की वेलोसिटी ई टाउ बाई एम होगा, तो क्या दोनों का एवरेज ई टाउ बाई टू एम होगा या नहीं होगा? तो अगर अगर कहीं एस सी वर्मा में जो लोग अगर एस सी वर्मा फॉलो करेंगे तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि उसमें ई टाउ बाई टू एम मिलेगा, और इसमें हम लोग जो फॉलो करेंगे वो ई टाउ बाई एम फॉलो करेंगे. और दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है, क्योंकि उसने आपका मैक्सिमम और मिनिमम वाले को कंसिडर करके बनाया है और हमने सबको एक जैसा कंसिडर करके बनाया है. ठीक है, हमने क्या बाकी सारी किताब में आपको ई टाउ बाई एम मिलेगा. और ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, दिस वन इज मैग्नीट्यूड, राइट. अगर मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे तो माइनस सिंबल भी आएगा, ठीक है,